नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। देश का अन्नदाता किसान आज खेती में इस्तेमाल होने वाली हर चीज महंगी होने के कारण खेती से घाटे की शिकायत करता रहता है। दरअसल ज्यादातर किसान आज भी पारंपरिक खेती जैसे गेहूं, धान, गन्ना, मक्का, सरसों की ही खेती कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती से घाटा होने की बात कहते हैं। किसान 150 रुपए की सब्जी खरीद सकता है, लेकिन गेहूं, धान, गन्ना, मक्का के अलावा कुछ उगा नहीं पा रहा है। लेकिन जो किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ तकनीकी खेती भी कर रहे हैं, वे आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ, जनपद सहारनपुर के गंगोह ब्लॉक के किसान शुभम खटाना ने पारंपरिक खेती से लगातार हो रहे घाटे से निराश होकर राज्य सरकार का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार की सहायता से लेकर पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की खेती की शुरुआत की, जिसमें लागत कम होती है और मुनाफा ज्यादा होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज किसान शुभम खटाना सरकार के सहयोग से शुरू की गई इस खेती से लाखों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं और लगभग एक दर्जन लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। किसान शुभम खटाना का कहना है कि इस खेती को करने के लिए 16 से 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। सर्दी में तो इस खेती को ज्यादातर किसान कर लेते हैं, लेकिन गर्मी में इस खेती को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इसी प्लांट की आवश्यकता होती है। किसान शुभम खटाना का कहना है कि आज 80 से 100 रुपए किलो मशरूम बिक रहा है। आने वाले कुछ दिनों में इसका रेट 150 रुपए से 180 रुपए किलो हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में इस फसल का रेट बढ़ जाता है। हमारे संवाददाता विपिन चौधरी ने किसान शुभम खटाना से बातचीत की है, सुनिए। आज के समय में जहां पर ज्यादातर किसान खेती में घाटे की शिकायत करते रहते हैं, इसके ठीक विपरीत गांव डुब्बर किशनपुर के एक प्रगतिशील किसान शुभम खटाना ने पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की खेती कर लाखों रुपए का मुनाफा कमाने का काम किया है। शुभम खटाना स्वयं तो मुनाफा कमा ही रहे हैं, इसके साथ साथ लगभग एक दर्जन बेरोजगारों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं और अन्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ तकनीकी खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। शुभम जी, जो ये मशरूम की खेती है, किस तरह से तैयार होती है, इसके बारे में बताइए। सर, ये दो तरीके से होती हैं। जैसे सीजनली हम इसको सर्दियों में छप्पर वगैरह में भी कर सकते हैं, और अगर हमें गर्मियों में इसकी पैदावार लेनी है तो हमें इसे एक ऐसी प्लांट लगाना होगा, तभी इसकी हम पैदावार कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक टेम्परेचर होता है जो इसको चाहिए, उसी टेम्परेचर के में पैदा हो सकती है। जब हम इसका टेम्परेचर जब हमें इसका स्पॉन रन कराना होता है, तब हमें लगभग 22-24 का टेम्परेचर चाहिए, और जब जिस टाइम हमें पैदावार होती है, मशरूम निकलती हैं, तो उस टाइम हमें लगभग 16 से 18 का टेम्परेचर इसका चाहिए, तभी ये पैदा हो सकती है। तो किसान जिस तरह से खेती में घाटे की बात करता है, तो इस खेती से आपको घाटा हो रहा है या मुनाफा? नहीं सर, देखिए, किसान जो वो भी सही कह रहे, किसान भी आजकल जो पारंपरिक खेती वगैरह है, ये इनसे तो घाटा ही हो रहा है। इसका तो सभी ने पता है कि ये तो आज के समय में घाटे का सौदा ही हो रही है। देखिएगा, हमें इसमें 2019 में हमें इसका फार्म का काम चालू किया था, 2015 में मैंने 12th करके, उसके बाद मैंने 2016 में बी कॉम में एडमिशन लिया यहाँ सोवियत यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं उसमें उसके साथ साथ मैंने छप्पर में 2 साल इसका परमानेंट पैदावार की। सर्दियों जैसे ही मार्च आता था तो इसके रेट बड़े हाई हो जाते थे। मार्च के बाद हमारी बंद हो जाती थी मशरूम, तो उस टाइम बड़े रेट हाई हो जाते थे। तो उस टाइम मन में आया कि इसका हम 12 महीने का प्लांट, एसी प्लांट जिसको इसकी भाषा में बोलते हैं, तो वो लगाने का मन बना। तो हम उसके लिए प्रयासरत रहे, लगातार लगे रहे उस काम में अपने। तो हमें 2019 के नवंबर दिसंबर में हमारा काम शुरू किया हमने इसका फार्म लगाने का, और 2020 के जनवरी तक हमारा फार्म कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका था। तो जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन चली, वैसे वैसे हम इसके मुनाफे की ओर चले, और सर्दियों का हमें सीजन अब की बात किया तो ठीक ठाक हमें भाव भी अच्छे मिले, और अब आगे उम्मीद कर रहे कि अच्छे भाव अब गर्मियों में और भी ज़्यादा अच्छे भाव इसके आने वाले हैं। तो जो एक साल का यदि हम औसत निकालें, तो कुल कितना आपको जो है अपने इन दो जो ये आपने प्लांट लगाए हैं, कितना आपको मुनाफा हुआ है? ये हमारे 2 ग्रोइंग रूम हैं हमारे पास, और एक हमारी कंपोस्ट यार्ड है हमारे पास। तो इसमें जो है, जो जितना बड़ा हमारा जो फार्म है, उसमें हमारी 25 से 30 लाख रुपए पर ईयर की इनकम है। उसमें से हमारा जो है लगभग ये मान के चलिए कि आप 10 से 15 लाख रुपये का खर्च आता है, और 15 के आसपास ही हमें बच जाते हैं एक तो साल में। आपने कुछ लोगों को भी यहाँ पर रोजगार दिया? जी सर, देखिए, हमें अपने अलावा
अपने से अलावा 10 आदमी और हमारे यहाँ कार्यरत हैं इस हमारे फार्म में, वो भी हमारे यहाँ निरंतर काम करते हैं और उनके हम लगातार सैलरी देते हैं और अपनी भी इनकम इसमें से निकालते हैं। तो सरकार ने इस खेती के लिए कुछ जी सर देखिए, सरकार ने हमारी सब्सिडी जो मशरूम फार्म लगाते हैं उसमें सब्सिडी का एक प्रावधान है राज्य सरकार का, उसमें हमारी चल रही है फाइल और उम्मीद है कि अगले महीने में मार्च या अप्रैल में ही हमारी सब्सिडी भी हमारे खाते में आ जाएगी। तो अन्य किसानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अन्य किसानों के यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी पारंपरिक खेतियां छोड़कर एक अलग प्रकार की अन्य खेतियां जैसे कि मशरूम हुई या हमारा फूल वगैरह की खेती हुई, इन पर ध्यान दें और तभी हमारी आय दोगुनी हो सकती है और इनमें अच्छा मुनाफा है। जैसे पारंपरिक खेतियों में आज के समय में कोई मुनाफा नहीं है, ये सब जानते हैं। अगर किसी के पास आज के समय में पारंपरिक खेती कर रहा है, अगर किसी के पास घर के दो चार लोग हैं अपने आप सारा काम करते हैं तो वो भले ही उसमें से कुछ कमा ले, लेकिन अगर कोई मजदूर वगैरह से कोई काम कराता है तो मैं नहीं मानता कि आज के समय में कोई उनमें कोई खास मुनाफा हो रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी अब मशरूम की खेती फल फूल रही है, तो वहीं अब उत्तराखंड में भी लाखों लोग इस मशरूम की खेती को कर रहे हैं और वहीं मशरूम गर्ल दिव्या रावत के नाम से फेमस दिव्या रावत भी उत्तराखंड में मशरूम की खेती कर रही हैं और हजारों महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। देखिए आप, यही था कि हमने यूथ और महिलाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और उनको अपने साथ जोड़ा है। करीबन ऑल ओवर इंडिया में 7,000 से ज़्यादा लोग हैं जो मशरूम के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं और 4,000 से 5,000 के बीच हमारे उत्तराखंड में ही है उसमें। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, मशरूम को बहुत ही सिंपल और साधारण बनाया। जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, जो 4 से 5 करोड़ रुपए की खेती शुरू होती थी कि आपको 4-5 करोड़ रुपए लगाना है, बहुत सिंपल इजी साधारण बनाया और कोई भी इसको 1,000, 1,500, 5, 10,000 रुपए से शुरू कर सकता है। तो इसमें महिलाएं और यूथ सबसे ज़्यादा जुड़े। तो ऐसी 10x10 के दो कमरे में भी कोई लगाता है तो आपका मंथली वो 5-6 हज़ार रुपये ईजिली अर्न कर सकता है। तो इसी तरीके से लोगों ने 10x10 के 4 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरों में लगाना शुरू किया और इससे अपने रोजगार का साधन बनाया और इतना लो इन्वेस्टमेंट के साथ लोग 5, 10, 15 हज़ार में शुरू कर रहे हैं कि उनके बजट के अंदर भी है। कोई भी आम लड़का या कोई भी आम लड़की भी दिव्या रावत की तरह आगे बढ़ सकते हैं अगर पेशेंस हो, काम के लिए पैशंस हो, पैशन हो, पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है क्विट ना करने की हैबिट को डालने का। क्योंकि आपकी लाइफ में एक वो फेज़ है, वो चैलेंज है, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप अपने बिजनेस में हो, एक वो समय है जब आपको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। 10 बार क्विट करोगे तो 10 बार उसका सामना करना पड़ेगा, तो एक ही बार कर लो सामना। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।